हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो आज मैं आपके सामने जेई मेंस का पेपर जो है 25 तारीख को आता है उसको मैं कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों पेपर मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट ट्रैक मोड में चलेगा अपना क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन आए थे एग्जाम में फिजिक्स के और केमिस्ट्री के दोनों में। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है फिजिक्स की। अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो देखो मैंने आपको बताया ना कि जो 1D से क्वेश्चन आए हैं, मोशन 1D से और NLM से क्वेश्चन आए हैं, वर्क एनर्जी पावर से आए हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स से फिजिक्स जो है उसको पूरा कवर किया है। पहला क्वेश्चन है, अ कार कवर सम डिस्टेंस विद स्पीड V1 एंड कवर सेम स्पीड विद स्पीड V2। पूछ रहा है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ कार, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, यहां से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत 11th में बहुत टाइप के करे होंगे। तो सिंपल सी पूछ रहा है, स्पीड टोटल डिस्टेंस को xx मान लो, टोटल डिस्टेंस 2x हो गया, नीचे टाइम नहीं दिया है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का रिलेशन होता है, आपको यहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि आंसर है इसका, आपने देखा होगा 2v1v2 ओवर v1 प्लस v2 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, मैच द फॉलोइंग सरफेस टेंशन विस्कोसिटी प्रेशर और इंपल्स। इसके सामने यूनिट दे रखे हैं जो इसको आपको मैच करना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखो जेई में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेंस में। तीसरा क्वेश्चन जो है फिजिक्स के पेपर में रेसिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ ऐसे रेसिस्टेंस दिए जो शॉर्ट सर्किट वाले हैं, तो उसको आपको नेगलेक्ट करके सॉल्यूशन करना है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी तक तीन क्वेश्चन जो है वो इजीली चार चार नंबर आपको गिवन दे सकते हैं, इसमें कोई मिक्स कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन नहीं है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल आपको अगर फॉर्मूला पता है, ठीक है, थोड़ा सा बहुत आपने प्रैक्टिस करी है, तो यू कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। अगला है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ सरफेस इज कैपिटल टी, और पूछ रहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सेम पेंडुलम एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से आर डिस्टेंस पर कितना टाइम पीरियड होगा सिंपल पेंडुलम का, ये आपको पूछ रहा है। आपके पास फॉर्मूला पता है, टी इक्वल होता है 2π√L/g। यहां पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब आपको पता है अर्थ सरफेस से आर डिस्टेंस पर स्मॉल जी की वैल्यू वेरी करती है, क्योंकि आपको पता है सरफेस से लेके ऊपर जाने पर जी की वैल्यू कम होता है, ठीक है। वो कितना कम होता है आपको पता है, ठीक है। तो यहां पर इस जी डैश की वैल्यू आप अलग होगी, तो जी की वैल्यू जो है आर डिस्टेंस पर अलग होगी, तो इस फॉर्मूला का आपको जनरली पुट करना है, तो यू कैन गेट योर आंसर, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन भी आसान है, तो चार क्वेश्चन जो है 4×4 16 मार्क जो है आपके इजीली बिना कोई हेजिटेशन के आपके 16 नंबर आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, फाइंड रेशियो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर एंड एन एक्सिस पैरेलल टू डायमीटर ऑफ अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर। एक आपको डिस्क दिया है, सेंटर ऑफ मास का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको लगानी है, बड़ा सिंपल है। सेंटर के अलावा आपको पता होना चाहिए डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितना होता है, उसके बाद जिसके अलोंग भी निकालना है आपको प्लस md स्क्वायर करना है, यू विल गेट योर आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और आ गया जो कि स्ट्रेट क्वेश्चन आया है, बाकी कोई इसमें मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था। 5×4 20, तो 20 नंबर तो आपके ऐसे ही आ गए फिजिक्स में। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, अ कार इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 2 m/s इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r, इफ अ पेंडुलम ऑफ बॉब ऑफ मास स्मॉल m इज अटैच्ड टू अ रूफ ऑफ अ कार, फाइंड आउट द एंगल व्हिच मेक्स द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये क्वेश्चन जो है बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक कार है, पेंडुलम लटका हुआ है, कार आगे बढ़ी, पेंडुलम में टेंशन कितना है वगैरह वगैरह पूछ रहा है, सिंपल सा, ठीक है ना। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करे होंगे, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा इस तरीके से कुछ, इसमें ये पेंडुलम है, थीटा डिग्री टीवी, इसके हम निकाल देंगे mg इधर लगेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको क्वेश्चन करेंगे, तो आप इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो थीटा वीटा की वैल्यू पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसको भी आप इजीली कर सकते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस तरीके से आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे 11th क्लास में, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, ये भी आपको 4 नंबर दे देगा। तो 6×4 24 नंबर तो आपके सीधे ही हो गए डायरेक्ट। अभी तक कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि मतलब बहुत टफ आया है, मिक्स कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आपको वैल्यू को पुट करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद करना है, तो आप उसको इजीली कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है,
आपको ग्राफ दिया है, फाइंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इफ द ग्राफ इज गिवन। ठीक है, आपको ग्राफ दिया है तो ग्राफ देख के ही आपको यंग्स मॉडुलस y की वैल्यू बतानी है, बड़ा सिंपल है ये भी। ठीक है, तो y इक्वल्स टू f अपॉन a l ओवर डेल्टा l, जो है यहां से फॉर्मूला रख के आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको हम निकाल लेंगे। ठीक, वैसे थीटा वीटा का रोल तो है नहीं यहां पे। ठीक है ना, हाँ टेन थीटा जरूर लगेगा, टेन थीटा इक्वल्स टू डेल्टा l बाय l से हम इसको कर सकते हैं। अगला एक और क्वेश्चन दिया है, इन अर्थ अ टनल ऑफ टनल इज डग along the diameter and a particle of mass small m is released in the tunnel, find the time period of the particle performing SHM। time period nikalna aapko, time period of SHM kitna hota hai, t barabar hota hai time period of t barabar 2 pi under root m by k। yahan par koi g ka koi role nahi hai, m ka role hai yahan par। theek hai na, time period puch raha hai kitna hoga ye aapko batana hai, is formula rakh ke you will get your answer। bada simple sa question hai, k ki value aap yahan se find kar sakte hain। theek hai, to is tarah isse bhi bahut hi khatarnak टाइप के क्वेश्चन जो है ना आपने सॉल्यूशन करे होंगे, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, ऐसे ही नाइन्थ क्वेश्चन दिया है, तो ये अभी तक आठ क्वेश्चन जितने आए हैं बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे कोई मतलब तो टफ वाले क्वेश्चन नहीं है, तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन जो है एलसी ऑसिलेशन का आया है, इफ इन अ एलसी सर्किट इंडक्टेंस इज इंक्रीज्ड 8 टाइम्स टू इनिशियल, इंडक्टेंस को इनिशियल से 8 टाइम अगर बढ़ा दिया एंड कैपेसिटेंस को दुगना कर दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मैं आपको एक चीज बता दूं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ओमेगा इक्वल्स टू, आपने पढ़ा होगा जो बच्चे क्लास 12th में है, ओमेगा और एल का रिलेशन और कैपेसिटेंस का रिलेशन ये होता है, ओमेगा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन अंडर रूट एलसी। तो इसको दो केस दिए ना, एक एल बोल रहा है कि इतना गुना हो गया और एक कैपेसिटेंस बोल रहा है कि दुगना हो गया इनिशियल के। बड़ा सिंपल सा है, वैल्यू पुट करनी है, दो डिवाइड करने हैं, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो इतने सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 9 क्वेश्चन अभी तक ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट आपको नंबर देंगे, तो कोई टिपिकल वाला क्वेश्चन यहां पर नहीं है। टेंथ क्वेश्चन की बात करें, इफ कैपिटल टी इज अ टेम्परेचर ऑफ अ गैस देन आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बड़ा सिंपल, आपने आरएमएस वेलोसिटी जो है वी इक्वल टू होता है अंडर रूट 3 आरटी बाय कैपिटल एम, ये होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसी भी गैस की, सिंपल है। अब तो टेम्परेचर के क्या कहूंगा, वेलोसिटी जो है या आरएमएस वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर की पावर 1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा आपको ऑप्शन में दिया है। देखो जेई में ये क्वेश्चन आते हैं, आपको मतलब बोले तो फोबिया गलत तरीके के कि फिजिक्स बहुत टफ आती है, 10 क्वेश्चन हो गए, 10 × 4 = 40 मार्क्स होता है। अभी तक तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि बहुत टिपिकल लेवल का है, इसलिए बच्चों के 300 में से 300 आते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2-3 साल के अगर आपने सॉल्यूशन करे हैं तो यू कैन इजिली गेट 100% मार्क्स। अगला क्वेश्चन है सोलेनोइड से आया है, 12th क्लास से, अ सोलेनोइड ऑफ लेंथ 2 मीटर हैज 1200 टर्न्स, इफ 2 एम्पेयर करंट इज फ्लोइंग थ्रू सोलेनोइड एंड डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 mm, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड। किसी भी सोलेनोइड के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी बराबर उसकी वैल्यू होती है μ × NI, होती है नहीं होती है? कैपिटल बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू μ0 NI, वैल्यू जो है मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंटर होता है। अच्छा, स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, हालांकि बच्चे यहां पर स्मॉल एन नहीं देख पाते हैं, स्मॉल एन की वैल्यू जो है नंबर ऑफ लेंथ पर यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है यहां पर। ठीक है, तो देखो अभी तक 11 क्वेश्चन हो गए हैं जो कि बड़े ही बड़े सिंपल हैं। ठीक है, 11 × 4 हो गया 44, है नहीं? फोबिया है, बड़ा सिंपल सा आपको, जिन बच्चों ने पेपर दे दिया है कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया गया होगा। जिनके पेपर अपकमिंग आने वाले पेपर हैं, चाहे अप्रैल का पेपर है चाहे 2-3 और दिन बाद पेपर है, सिर्फ रिविजन करना है जो आपके किताबों में है, जो आपके नोट्स में है, क्वेश्चन वही आते हैं उसी टाइप के आते हैं, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, ठीक, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग जेड डायरेक्शन, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स इन वाई एक्सिस इन विच डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड विल ऑसिलेट। ऑप्शन दे रखे हैं एक्स एक्सिस या
माइनस एक्स एक्सिस या माइनस वाई एक्सिस, इसको आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन है, बड़ा ही सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आया है, ठीक है ना, इसको आपको देखना है किस तरीके से सॉल्यूशन होगा। तो आंसर जो है एक्स पॉज एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑसिलेट करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो 12 क्वेश्चन है, 12 इंटू 4 जो है ना वो कितना होता है 48 क्वेश्चन, 12 इंटू 4 जो है 48 मार्क्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है 13, स्टेटमेंट दिया है फोटोडायोड जो है फॉरवर्ड बायस में इसको यूज किया जाता है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो बोल रहा है फॉरवर्ड बायस करंट मोर देन रिवर्स बायस, पूछ रहा है कि स्टेटमेंट 1 गलत है, गलत है या 2 गलत है, ठीक है। हम बात कर देते हैं, स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है, तो आपको इन स्टेटमेंट को देखना है। मैं आपको क्वेश्चन को स्क्रीन में डाल दूंगा हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। 12 क्वेश्चन हो गए, 13 क्वेश्चन हो गए, अभी 13 क्वेश्चन हो गए, 14 क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ऑफ इनिशियल एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन है इशू में उसकी काइनेटिक एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एंटर्स इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में उसको एंटर किया जाता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज 10 सेंटीमीटर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट इज 10 न्यूटन पर कूलम, If the theta is deflection of electron, then find the value of tan theta. Tan theta की value पूछ रहा है, ठीक है। आपने एक चीज करा होगा, tan theta equals to the velocity of y axis over velocity of x axis. यहाँ से आप इसको direct अगर value put कर देते, तो आप यहाँ से आंसर आपको मिल जाता, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आपने 12th में किया होगा, ठीक है ना। हालांकि मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, नहीं मॉडर्न फिजिक्स का नहीं, कैपेसिटर का क्वेश्चन है। अगला 15 क्वेश्चन डायग्राम से रिलेटेड पूछ रहा है, सेंटर पे जो है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत करे होंगे, ठीक है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत करे होंगे। आर्क बन रहा है, आर्क का मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है बी बराबर म्यू नॉट आई अल्फा के टर्म में कुछ होता है, ऐसे इसका और ऐसे इसका, ठीक है। ये सेमी इनफाइनाइट लेंथ है, ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो इसको पॉइंट इस जगह पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आपने सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए भी आपने बखूबी से याद किया होगा 15 क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान है, कोई ऐसा नहीं कि आपको हार्ड माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, कि आपको माइंड की बहुत ज्यादा यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, स्ट्रेट क्वेश्चन आ रहे हैं यहां पर जेईई मेंस में इस बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव इज 20 मेगाहर्ट्ज एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम वेव इज 5 किलोहर्ट्ज, कैलकुलेट बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का फॉर्मूला पूछ रहा है, बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या लगा सकते हैं 2 ओमेगा, में यहां से मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, ठीक है ना, तो डेल्टा एफ निकालना है यहां से। अगला क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li 2 प्लस इज x, तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Be प्लस 3 पूछ रहा है। रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है, रेडियस r बराबर होता है 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, इस फॉर्मूले को दो बार लगाओ आंसर पाओ, चार नंबर आपको फ्री में देगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11 क्लास में पढ़ा होगा, और यहां पर भी एटम वाले चैप्टर में आपने 12 क्लास में पढ़ा होगा मॉडर्न फिजिक्स में। क्वेश्चन बड़ा सिंपल से आ रहे हैं, ठीक है ना, ये कल आए हुए क्वेश्चन है मेमोरी बेस पर, 17 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन कार्नोट इंजन से है, फॉर अ कार्नोट इंजन हीट इंजन फ्रीक्वेंसी दे रखी 50% एंड टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज 600 केल्विन, इफ फ्रीक्वेंसी जो है 70% हो गई तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स पूछ रहा है नहीं, फॉर्मूला वही लगाना है एक ही। कार्नोट इंजन का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी बराबर क्या होता है 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक ओवर टेम्परेचर ऑफ सोर्स, होता नहीं होता है, तो एफिशिएंसी n इक्वल टू होता है, या n बोल दे ईटा बोल दो, 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक ओवर टेम्परेचर ऑफ सोर्स, इस फॉर्मूले को आपको दो बार लगाना है, यू विल गेट योर आंसर, बड़ा सिंपल सा है नहीं। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, बस आपको तो फॉर्मूला तो याद करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला तो याद करना है, ऐसे कोई नहीं आपको हार्ड एंड फास्ट वाली चीज नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, 18 क्वेश्चन हो गए, तो 18 इनटू 4 होता है 72, इसलिए बच्चे 100 में से 100 नंबर लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ मासलेस रॉड इज अरेंज्ड एज ऑन द फिगर, फाइंड द टेंपरेचर टी, सॉरी फाइंड द टेंशन टी पूछ रहा है स्ट्रिंग पे, है नहीं है? तो कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रिंग बना हुआ है, यहां से 8 केजी का मास आपको हैंग है, और यहां पर से एक स्ट्रिंग ये टी, यानी लेंथ वेंथ आपको दी है वगैरह वगैरह, क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा, टेंपरेचर टी की वैल्यू पूछ रहा, सॉरी टेंशन टी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से ये क्वेश्चन हो गया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, यू विल गेट योर आंसर, सिंपल, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ,
आप अपना आंसर पाएंगे। और यहां पर तो टेम्प ये भी दे रखा है, क्या दे रखा है, 30 डिग्री जो है ना ये भी दे रखा आपको एंगल, ठीक है। तो कंपोनेंट कर दो, mg के बराबर रख दो उसको, यू विल गेट योर आंसर। तो क्वेश्चन जो है इस तरीके से आ रहे हैं, देखो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि बहुत हार्ड एंड फास्ट है, बड़ी सिंपल से फिजिक्स आई है। अगला, डेंसिटी रेशियो ऑफ हीलियम एंड कैल्शियम न्यूक्लियस। देखो आपने पढ़ा होगा डेंसिटी, जब आप न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपने पढ़ा होगा डेंसिटी के बारे में, न्यूक्लियस की डेंसिटी के बारे में। तो वहां पर पूछ रहा है रेशियो, पूछ रहा है हीलियम एंड कैल्शियम न्यूक्लियस के, तो डेंसिटी जो है ना मास नंबर पर डिपेंड करते हैं, सिंपल सा पढ़ना है वहां पर भी, ठीक है ना। डेंसिटी जो है मास नंबर पर डिपेंड करती है, मास नंबर के समथिंग समथिंग 1/3 के पावर के बराबर होती है। तो आपको उसको वहां से क्वेश्चन करना था, ये भी आपको फ्री फ्री में 4 नंबर देता, इससे पुराला भी 4 नंबर आपको फ्री में देखा गया, उससे पुराला भी फ्री में देखा गया। कितने क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए। 20 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि बहुत हार्ड एंड फास्ट और टफ है, ठीक है। फिजिक्स के एनालिसिस करा रहे हैं तो सारे क्वेश्चन आसान है। अगला क्वेश्चन, अ सीरीज सीक्वेंस ऑफ टू इंजन E1 एंड E2 एज शोन इन द फिगर। ये भी क्वेश्चन आया था कारंट इंजन से, ये भी क्वेश्चन जो है कारंट इंजन से ही क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी आप कर लेंगे, ठीक है ना। एफिशिएंसी इसमें भी दिया है, तो ये भी क्वेश्चन जो है बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से 2 क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 बॉडी के अगेंस्ट दिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ISM बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर इट्स प्लेन। IAB द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB इज इन अ प्लेन ऑफ डिस्क एंड 2R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको बराबर करके क्या निकालना है, उनका रेडियस का रेशियो निकालना है, तो आप इसको आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मोमेंटम इनर्शिया आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, मोमेंटम इनर्शिया रोटेशन का चैप्टर है, टॉपिक है। मैंने आपको पहले बताया था कि मोमेंटम इनर्शिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आए हैं यहाँ से मोमेंटम इनर्शिया से, 2 क्वेश्चन इस मोमेंटम इनर्शिया ही टॉपिक से, कोई कोलिजन का क्वेश्चन नहीं है। मोमेंटम इनर्शिया 2 क्वेश्चन और कारंट इंजन जो कि आपका जो हीट का टॉपिक है वहां से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे हैं, SSM से क्वेश्चन आया है, ठीक है। जो हॉट टॉपिक्स हैं वही मैं बार बार बोलता हूं, तो वहीं से क्वेश्चन भी आए हैं। अगला क्वेश्चन जो है 23 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड 20 kV इट्स डी ब्रॉगली लेंथ इज वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट। इफ द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय 40 kV फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोल रहा है, तो आप यहां से सिंपल लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन 2 अंडर रूट का 2m * e अगर ये फॉर्मूला आप लगाते हो तो आपका आंसर बखूबी बिल्कुल 2 लाइन में आपका जो है ना आंसर आ जाता। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल से इनके आंसर है। फिजिक्स मैं बता रहा हूं ना, इसने जिसने जिस बंदे ने 2 महीने भी फिजिक्स अगर आराम से किया होगा, प्रैक्टिस किए होंगे 2 महीने भी, और हल्के फुल्के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लगा दे सॉल्व एग्जांपल, तो सिलेक्शन जो है ना आपके 100 में से 100 नंबर आते फिजिक्स के। अगर अप्रैल में भी आप पढ़ रहे हो ना, जितने भी आपने नोट्स लिखे हैं उस नोट्स का रिवीजन करो, प्रॉपर रिवीजन करो। ये क्वेश्चन यही शो कर रहे हैं कि आपके नोट्स से ही जो है ना क्वेश्चन फंसेंगे, और उन्हीं नोट्स को आपने बार बार रिवीजन करना, हल्की फुल्की प्रैक्टिस करनी है, 2-3 साल के आपको पेपर लगाने हैं, ठीक है। तो आप 100 में से 100 नंबर पाएंगे फिजिक्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 24 क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ हॉट सूप इज इन अ बाउल इज इतना 90°C to 98°C to 86°C इन 2 मिनट, द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर। टेम्परेचर क्वेश्चन पूछ रहा है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से क्वेश्चन आया है। कहां से आया है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से क्वेश्चन आया है। पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर ऑफ द सूप टू गो फ्रॉम 75°C to 69°C, ठीक है ना। तो यहां से जो है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो फॉर्मूला जो आपको लगाना है, बस उस फॉर्मूले को दो बार लगाना है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपके 4-5 आए हैं फिजिक्स में, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपको दिमाग की जरूरत पड़ रही है यहां पर, है नहीं। अरे सर कैसे होगा, एक भी क्वेश्चन सोचने की जरूरत नहीं है। जिस बंदे ने साल भर मेहनत करी होगी, पिछले 3-4-5 महीने में फिजिक्स पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, वो बंदा बस पेन चला ही जा रहा होगा पूरे फिजिक्स में, उसको पूरा फिजिक्स का पेपर जो है ना बड़ा ही आसान लगा होगा, ठीक है। लास्ट 25 क्वेश्चन जो है, मैं आपको 25 क्वेश्चन के, अगर मैं 25 क्वेश्चन के बारे में बात करूं, अच्छा ये 24 क्वेश्चन तक ही है यहां पर, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन जो है ना, एक और क्वेश्चन आपको मिल नहीं रहा है, तो लगभग 24 क्वेश्चन ना मेमोरी बेस पर क्वेश्चन था, और यही क्वेश्चन जो है आपके जेईई मेंस के पेपर में आए थे, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, देखो आपको
फिजिक्स करने के लिए जो भी आपके अप्रैल वाले अटेम्प्ट वाले हैं जिनके बच गए हैं आपको अपना रिवीजन करना है, ठीक है, बार बार नोट्स को रिवीजन करना है। कुल मिला के ये क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद हो तो आपको उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो केमिस्ट्री का एनालिसिस मिलते हैं थोड़ी देर में, थैंक यू सो मच। केमिस्ट्री दे रहा तो